सुबह देर से उठने का और एक फायदा होता है, आपके हाथों की बनी चाय पीने में। और इन हाथों की आदत पड़ गई है मुझे। ये हाथ तो हमेशा तुम्हारे साथ है। बचपन से इन हाथों को पकड़कर चलना सीखा। चाहती हूँ जिंदगी भर आपके हाथ बतौर आशीर्वाद मेरे सर पर रहे। ये तो तुम्हारा हक है। कल रात तुम काफी डर गई थी। One of those nightmares. जानती हो इंसान डरता कब है? जब उसे कुछ ठीक तरह दिखाई ना दे रहा। फिर ये अंधेरे की वजह से हो सकता है या फिर उस अनिश्चित आने वाले कल की वजह से जहां कुछ बुरा होने की संभावना हो। इसलिए आने वाले वक्त की सारी ख्वाहिशें इंसान को अपने मन से निकाल देनी चाहिए। फिर अच्छा क्या और बुरा क्या, सब एक समान है। ये ख्वाहिशें ही हैं जो इंसान को कमजोर बना देती हैं और कमजोर इंसान डरता है। एक्चुअली कल मेरे साथ भी यही हुआ था। पापा, मैंने गोविंद को कहा था कि उसे फैसला करना होगा, हाँ या ना, जो भी वो फैसला करेगा मुझे मंजूर होगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो ना का फैसला करे। मैं चाहती हूँ कि वो हमारे हक में फैसला करे। बस ये चाहना छोड़ दो। अपना ताल्लुक सिर्फ सवाल पूछने तक है। हाँ या ना कहने का हक गोविंद का है और उसे अपना हक इस्तेमाल कर ले। और जो भी उसका जवाब होगा उसकी इज्जत। कोई इतनी हद तक सन्यासी कैसे बन सकता है पापा? आई न्यू यू वुड से दैट। सन्यासी नहीं बेटा, समझदार। और समझदार तुम हो। तो मैं चलता हूं वरना क्लास के लिए लेट हो जाऊंगा और मेरी सारी समझदारी धरी की धरी रह जाएगी। बाय बेटा। हेलो हेलो, कुड आई स्पीक टू गोविंद प्लीज? मैं ना उसको कॉलिंग प्रीति। या क्या नाम बताया आपने? प्रीति। हाय प्रीति, आई एम रमोला हियर। रमोला, हाय। तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। गोविंद से अक्सर तुम्हारी बात होती रहती है। शायद गोविंद ने मेरा जिक्र तुम्हारे सामने नहीं किया होगा, बट मैं गोविंद की मुक्की थी। बहुत साल से शादी की बात चल रही थी, कल पक्की हुई है। कल? गोविंद, कॉन्ग्रेट्स। कैन आई टॉक टू गोविंद? या आई जस्ट कॉल। गोविंद, गोविंद, तुम्हारा फोन। हेलो, गोविंद, प्रीति बोल रही हूँ। ओ हाय प्रीति, तुम मुझसे अभी आकर मिलो। कोई खास बात? वही बात जो तुमने मुझे नहीं बताई लेकिन मुझे पता चल गया। मैं कुछ समझा नहीं। तुम मिलो फिर समझा। शादी की बात पूरी जरूर की लेकिन मैंने हाँ थोड़ी कहा। तो तुमने क्या कहा? क्यों कुछ नहीं कहा? कब तक चुप रहो? और तुम चुप रहकर बात को टाल तो नहीं सकते ना? मैं बात टाल नहीं रहा हूँ, मुझे सिर्फ सही वक्त का इंतजार है और जब वो वक्त आएगा मैं करूंगा जो मुझे करना है। क्या आएगा? सही वक्त जल्द आएगा प्रीति, जल्द आएगा। जल्द कब? दो साल पहले भी तो तुम्हारी रमोला के साथ सगाई की बात हुई थी। हाँ हुई थी मगर तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। और अब भी कुछ नहीं कह रहे? तभी तुम्हारी चुप्पी का मतलब लोगों ने हाँ निकाला था और अब भी चुप्पी का मतलब हाँ निकाल रहे। उन्हें निकालने तो नहीं निकालती, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। वो करो, कोई भी फैसला कर, हाँ या ना, जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर हो। रमोला समझती है कि तुम उसके मंगेतर हो, तुम्हारे मम्मी पापा समझते हैं कि तुम इस सगाई से खुश हो
और तुम्हें सलाह के लिए इनकार भी नहीं करें। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपना इनकार मैनिपुलेट करना है। वो कौन से कोई तो फैसला करो। ये इतना आसान नहीं है। अगर इस वक्त मैंने इनकार कर दिया तो शायद मुझे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, तुम बच्चे की जिम्मेदारी लेने से डरते हो। इनकार कर प्लीज गो। जो भी नतीजा होगा, जो भी अंजाम होगा, वो साथ झेल लेंगे। ये सब सपनों की बातें हैं, हकीकी जिंदगी से इनका कोई रास्ता कैसे नहीं है। हर हकीकत किसी न किसी सपने से शुरू होती है। हकीकत को खड़े रहने के लिए ठोस जमीन की जरूरत होती है और वो जमीन सपना प्रोवाइड करती है। तुम्हें फैसला करना होगा। इनकार कर, इनकार कर। I can't keep waiting like this forever। देखो, तुम बात की थी। शायद मैं बात को ठीक तरह से समझी। पहली बार मुझे ये बात पूरी तरह से समझ आई। मेरी जिंदगी का दारोमदार तुम्हारे फैसले पर आकर था। And this is not what I'm looking for in my life। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी शादी से शुरू होकर शादी पर खत्म हो। गोविंद, तुम अब मुझे सिर्फ उस दिन आकर दो जब तुम्हारे हिस्से की जमीन मजबूत हो, जिस पर मैं बिना डरे अपने कदम रख सकूं। तुमका बोझ उठाकर दर्दन नहीं चलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। उस दिन आकर मुझसे मिलना जब तुम और मैं एक हो, जब तुम पूरी तरह से मेरे हो, आधे अधूरे नहीं। I want you completely, not until। देखो प्रीति, बस 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 प्रीति, बस enough प्रीति। सच्चाई तुम्हारे सामने है, रास्ता बिल्कुल साफ है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? देखो, जिंदगी का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना है। Just accept this, प्रीति, accept it। जानती हूँ इसीलिए सोचा रो लो, ताकि जिंदगी में आगे कभी ना रोना पड़े। जिंदगी में एक बार रोने से आगे रोना नहीं पड़ता है। अगर ऐसा होता तो सारे लोग बचपन में ही रोने थे। दो चार और साल सही, फिर खुशियां ही खुशियां। ऐसा नहीं होता प्रीति। आने वाला हर पल उसी वक्त बता देता है कि उसके दर्द में क्या छुपा है, कितने गम, कितनी खुशियां हैं। जिंदगी जीने का एक आसान तरीका बताओ तुम्हें। कुदरत के नियमों को मान लो। अगर वक्त कहे कि हंसना चाहिए तो हंस लो, अगर वक्त कहे रोना चाहिए तो रो लो। प्रीति, तुम हमेशा कहती हो ना कि तुम्हें डूबते हुए सूरज को देखना बहुत अच्छा लगता है, उसका शांत स्वरूप तुम्हें अच्छा लगता है। जानती हो क्यों? वो तपता हुआ, जलता हुआ सूरज शांत कैसे लग सकता है शाम को? इसलिए कि सूरज ने भी कुदरत के नियमों को मान लिया होता है। वो जानता है कि उसे समुद्र की गहराइयों में विलीन होना चाहिए, रात के अंधेरों में खो जाना चाहिए। इन्हें शांति सिर्फ तब मिलेगी जब अंत आएगा। नहीं प्रीति, अंत तो एक कड़ी है दूसरे की शुरुआत की। अगर इंसान जिंदगी को दायरा मान ले तो फिर अंत का डर ही नहीं लगता। दायरे का तो कोई अंत ही नहीं होता ना। देखो, जहां इंसान अंत मानता है वही दूसरे की शुरुआत होती है। अब जो कह रही हूं वो बिल्कुल सही है, समझ भी पा रही हूं, लेकिन दिल को कैसे समझा? दिल तो यही मानता है ना कि जो मेरा है वो मुझे नहीं मिल पा रहा।
हेलो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुम फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सूरज को देखने के लिए आए हो। सूरज तो डूब गया और तुम डूब चुकी हो प्यार में, मगर अब तुम अकेली नहीं हो प्रीति, मैं भी तुम्हारे साथ साथ डूबता जा रहा हूँ इस प्यार के गहरे समुद्र में। मैंने तुमसे सुबह भी कहा मुझे तुम इस तरह नहीं चाहिए, शर्तों में बंधी हूँ आधे अधूरी, मुझे तुम पूरे चाहिए मुकम्मल, सिर्फ मेरे अनकंडीशनली। दिन भर सोचो और इस नतीजे पर पहुंचाऊंगी जो सही, मैं गलत था तुम सही, अब हम एक हैं, हमारे बीच में कोई नहीं सकता। I'm sorry. I'm very sorry. आप कब आए? आया तो मैं अभी भी था लेकिन आप मैं तो गोविंद से बात कर रही थी। नहीं आप गोविंद से बातें नहीं कर रही थी, आप अपने आप से बात कर रही थी। नतीजे था काफी समय। देखिए अगर आप बार बार यहाँ आकर मुझे तंग करने वाले हैं तो ठीक है मैं यहाँ नहीं आऊंगा। नहीं आप प्लीज जैसा कुछ ना करो, कॉलेज में आपने गोविंद के साथ जो बात की कुछ है की? कॉलेज में मैंने गोविंद से क्या बात की और क्या नहीं की आपको कैसे मालूम है? अब मुझे क्या मालूम है कैसे मालूम है, सिर्फ इतना बोलने आया हूँ कि आप इस बात पर अड़े रहिए हटेगा। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ इसके लिए मुझे आपकी राय लेने की जरूरत नहीं है। मुझसे मिले ना मुझसे कुछ कहे, समझ में आ गया आपको? जी मैं समझ गया, मैं समझ गया कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ओके नहीं फिर नहीं मिलेंगे, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक बात, गोविंद कोई स्टैंड होने वाला नहीं है। गलत कह रहे हो तुम, प्यार मोहब्बत इश्क सब अपनी जगह पर सही हैं, पर जवानी में उठे एक गलत कदम के बदले में मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दो। आपने ये कैसे तय कर लिया कि प्रीति से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? ये तजुर्बे की बात है गोविंद, हम चाहते हैं कि कुछ साल बाद जब तुम इसके बारे में बात करो ये कहने के बजाय कि मैं गलत था कहो कि आप सही थे। देखिए मॉम मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, आज तक आपने जो कुछ भी मुझसे कहा है मैंने किया है आपकी हर बात, मगर इस बार मैं आपकी एक नहीं मानूंगा। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ प्रीति से and that is fine। अपनी माँ को धमकी दे रहे हो तुम, अपनी माँ के खिलाफ जाओगे? गोविंद बेटे होगा वही जो तुम चाहते हो क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें इस वक्त हक में या खिलाफ कोई फैसला नहीं करना चाहिए। नहीं डाटा पॉइंट हो गया, अब मैं प्रीति को और इंतजार करने के लिए नहीं सकता, यही अच्छा होगा कि मैंने उसे अमेरिका पढ़ने जाने। तुमने उसे अमेरिका जाने से रोका? जी हाँ। और वो रुक गई? बहुत प्यार करती है मुझे। मेरे ख्याल से तो इतनी बेवकूफ लड़की से तुम्हें वैसे भी शादी नहीं करनी चाहिए। हमारी उस दिन क्या बात हुई थी कि इस वक्त तुम सिर्फ हाँ कहोगे बाकी वक्त आने पर देखा जाएगा, वो वक्त अब आ गया है कि हम कोई फैसला कर लें। इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा क्योंकि इस वक्त तुम्हारी माँ हार गई है, हमें कोई ना कोई फैसला करना ही होगा। Time for your mother's touch now. जब सब हथियार खत्म हो जाए तो मां के पास उसकी ममता का एक आखिरी हथियार होगा।
हार गए। तुम्हारी जिद के सामने हमने सर झुका दिया। अब तुम जो चाहो वो करो, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अब जवान बेटे के आगे, लेकिन एक बात सुन लो, हम लोग कल यहां से जा रहे हैं। तुम्हें तो घर से नहीं निकाल सकते ना बेटे, लोग क्या कहेंगे? इसलिए हम ही लोग अपने पवाई वाले बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। मन करे तो कभी आ जाना मिलने, हमारा तो यहां आना नामुमकिन है। इस उम्र में बेटा रीति नाम की लड़की के सामने सर झुकाना बहुत मुश्किल है। वैसा क्या सोच रही है मॉम? अब मैं जैसा भी सोच रही हूँ, सही या गलत, वो बदलना बहुत मुश्किल है। ठीक है बेटा, खुश रहो। मॉम मॉम रुक जाएगी ना प्लीज? नहीं नहीं बेटा, नहीं रुकेंगे। सारी जिंदगी सर उठा के जिए हैं, अब ये सर झुकाना बहुत मुश्किल। ओके मॉम, आई एम सॉरी। आई एम वेरी सॉरी मॉम, वेरी वेरी सॉरी। आप मत जाइए मॉम।